गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों प्रथम द्वितीय तृतीय एवं पीठासीन अधिकारियों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनएफसी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 16 टीमें गठित की गई हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोलिंग पार्टी गठन की सूचना पृथक रूप से दी गई है तथा समस्त पोलिंग पार्टी मतदान स्थल गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाड़ी संकाय से 30 नवंबर को प्रातः 8 बजे से रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र के लिए कार्ड संलग्न करने सहित पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत कराए जाने का प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव को कराने की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, भाई आप आपस में बातचीत मत करिए, मतपत्रों का और अमित स्याही का प्रभारी कौन होता है? मतदान अधिकारी द्वितीय होता है। एक पर्ची को अगर निर्वाचक नामावली में उसका नाम है तो उसके नाम में अगर लाइन करते हैं उसका नाम तेजी से उच्चारित करते हैं, तेज बोलते हैं कि मतदान अधिकारी द्वितीय उसके नाम को। आप ब्लैक जैकेट आप बताइए, मतदान अधिकारी द्वितीय उसके बाद क्या करेगा? एक चीज आपको ध्यान रखिए, एक पुरुष की दो सीट होनी चाहिए और उसमें क्रम संख्या पड़ी होनी चाहिए, एक से लेके 50-100 जितने भी आप एक बार में डाल के रख सके। जैसे ही पुरुष आता है तो पुरुष का काट दीजिए, महिला आता है तो महिला की सीट का एक नंबर काट दीजिए। निशान के अलावा क्योंकि हर 2 घंटे पे सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा कि कितने वोट पड़े, कितनी महिला कितने पुरुष के, तो अब आप लाइनें और टिक मार्क वाला गिनने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और काम प्रभावित होगा। आप अपनी सीट को देख के बता सकते हैं कि 36वां वोट कट गया, हमने काट रखा तो 36 पुरुष हो गए और 12 महिलाएं का कटा है तो 12 महिला हो गए। विद इन सेकेंड आप जवाब दे देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट 2-3 बूथ जहाँ का इंचार्ज है वो उसे आसानी से कलेक्ट करके 2 मिनट में सूचना शासन को और आयोग को दे सकता है। तो आप ब्लैंक कागज पे नंबरिंग कर लीजिएगा 1-2-3-4 जैसे छोटे छोटे खाने में, और जो वोट डाले महिला डाले तो महिला वाले में काट दीजिए एक नंबर, पुरुष में डाले तो एक नंबर उसका काट दीजिए। तो आप इंस्टेंट बता देंगे, आप बगैर काम को डिस्टर्ब किए इंस्टेंट बता देंगे और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए आसान होगा और हमारे कंट्रोल रूम से जो सूचना शासन को जानी है आयोग को जानी है वो तत्काल चली जाएगी। आपको गिनना नहीं है, पन्ने पलट पलट के हो सकेगा। पहले पेपर था बिल्कुल सील भी लगेगी और आपका स्पष्ट हस्ताक्षर होगा उस पर, इनिशियल नहीं चलेगा उस पर। जो बैलेट पेपर आप जो डिस्ट्रिक्ट वार्ड देंगे उस पर प्रेजाइडिंग का भी स्पष्ट सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा कि सर ने स्पष्ट किया था। ऐसा क्यों बताइए कोई? अरे फर्जी और जिंदा हो पता बाहर से ना एग्जाम देंगे। बिल्कुल, अब मतदान अधिकारी तृतीय फिर क्या करेगा? उसको बैलेट पेपर मिल गया अगर मान लीजिए वोटर को, फिर वो जाएगा अपने काउंटर में, वो जो केबिन बना हुआ है वहां जाने के बाद वो क्या करेगा, कैसे करेगा? आप नहीं, मतदान अधिकारी द्वितीय की ड्यूटी नहीं है, ये थर्ड की ड्यूटी होती है, इसलिए मैं सेपरेट सबसे पूछ रहा हूँ। आज यहाँ पर मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय और पीठासीन अधिकारी, जो हमारा MLC का चुनाव यहाँ पर शिक्षक संघ शिक्षक वर्ग का हो रहा है, फैजाबाद और गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अनुसार हो रहा है, जिसमें 1 तारीख को मतदान होना है और 3 तारीख को उसकी काउंटिंग होनी है। इन अधिकारियों को जो गोरखपुर में इलेक्शन कराएंगे उनके लिए 16 टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों के पीठासीन अधिकारी और तीनों मतदान अधिकारी आज बुलाए गए थे, उनको द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया है और पीठासीन डायरी के महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं उसको उन्हें प्रैक्टिकली समझाया गया है, बैलेट बॉक्स को खोलना बंद करना, कैसे उन्हें पोलिंग एजेंट्स को दिखाना है, फिर उसके बाद कैसे उन्हें सील करना है, उसके बाद जब निर्वाचन समाप्त हो जाएगा तो उसको कैसे सील करके तार से उसको जोड़ दिया जाएगा और जिससे कि वो सील हो जाएगा
लाख लगा के वो सब सील किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें एक झोले में रख के उस झोले को भी सील किया जाएगा और झोले के ऊपर उस मध्य स्थल का एक लेबल लगेगा कि ये किस जनपद का और कहाँ का ये बैलेट बॉक्स है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में कॉमर्स विभाग में उसको सुरक्षित रखा जाएगा। काउंटिंग वाले दिन वो सारी सुरक्षा के साथ सभी जो कैंडिडेट हैं या उनके एजेंट्स हैं उनकी उपस्थिति में वो स्ट्रांग रूम खुलेगा और बंद भी उन्हीं की स्थिति में होना है। फिर उनको दिखा के ही हर टेबल पे काउंटिंग के लिए बक्से जाएंगे।